तो आपको मैं बता रहा था कि मूर्तियाँ यानी समय लोग की बनाया कब, जब ध्यान लोगों का नहीं लगने लगा। ध्यान में क्या होता है, दोनों आँखों से एक जगह पर देखा जाता है। अब जब एक जगह बिंदु नहीं बना तब बोले कि मूर्ति बना देंगे, आँखें बड़ी रहेंगी और आँखों से आँखों में जब मिलेगा तो आँखों को ही जब देखेंगे तो ध्यान एक जगह हो जाएगा, दोनों आँखों के बिंदु एक जगह बन जाएगा। और मूर्तियों की आँखें चमकीली बनाई कि जिससे वो जो रोशनी है रेंज है वो वापस हो जाए। वापस जब होता है और वही जब फटता है तब ऊपर निकलते हैं, निकलता है जीव। आप ये समझो संत मत की साधना जो आपको बताई जाती है उसमें भी यही सिस्टम है। सिस्टम कोई खराब नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, बदलाव ला दिया जाता है। क्योंकि घर छोड़ करके इस समय आदमी अगर मंदिर में चला जाए, पूरा परिवार चला जाए, तो पता चला लौट करके आया तो बना बनाया खाना भी नहीं मिलेगा, वो भी उठा ले जाएंगे, बर्तन तो ले जाएंगे लेकिन जो बना खाना है वो भी ले जाएंगे, नमक तेल सब उठा ले जाएंगे, ओढ़ने बिछाने का कुछ नहीं रहेगा। तो जब ऐसा माहौल बन गया तो ऐसे समय में कहा गया भाई परिस्थिति के अनुसार आदमी को ढाल लेना चाहिए। अब अगर 3 घंटा 4 घंटा बैठने के लिए किसी से कहा जाए तो शरीर इतना कमज़ोर हो गया, असंयमित होने के नाते नियम कानून का जो कुदरत ने बनाया पालन न करने की वजह से, संयम नियम का पालन न करने की वजह से शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि 3 घंटा 4 घंटा आदमी बैठ नहीं सकता है। तो आसान तो करना पड़ेगा। अरे भाई पार तो करना ही करना है, जीवों को नरकों से तो बचाना ही बचाना है, तो आसान तो करना ही पड़ेगा। तो अब आँखों से जो रेंज निकलती है, कहाँ आँख बंद करके ध्यान लगाओ और घर में ही बैठ करके कहीं भी लगा लो, जहाँ मौका मिले वहीं ध्यान लगा लो, और आँखों से रेंज निकलेगी तो पलकों से टकराएगी और टकरा करके बिंदु बन जाएगा, तो उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। तो त्रेता में लोगों ने इस तरह से शुरू किया, यानी द्वापर में, लेकिन आप समझो कि 1000 वर्ष की उम्र लोगों की ख़त्म हो गई, कामयाबी नहीं मिली। यानी आप समझो कोई कंठ चक्र तक पहुंचा, कोई हृदय चक्र तक पहुंचा, यानी आप ये समझ लो इससे आगे आज्ञा चक्र तक कोई पहुंच ही नहीं पाया और उम्र ख़त्म हो गई। तब तक आ गया आपका कलयुग, तो कलयुग में केवल 100 वर्ष की आदमी की उम्र रह गई, और आप ये समझो कि 100 वर्ष की उम्र रह गई, मन कमज़ोर हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, ऐसे समय पर यानी जीव फंसने लग गए, कर्म बहुत बुरे हो गए लोगों के, तो नरकों में जाने लग गए, क्योंकि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। तो जब जीव नरक जाने लग गए तब चिल्लाए रोए तड़पे, तो जब मालिक के पास आवाज़ पहुंची, कोई सहारा नहीं, तो जब मालिक के पास आवाज़ पहुंची तब वो द्रवित हो गए। ऐसी दशा देख जीवों की, सत पुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सत लोक का पता बतान, सत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, शब्द शब्द से ही रज डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब उन्होंने संतों को भेजा।